लोग। अरे जय पवन जय पवन, तब नहीं हूँ मैं। बाउंसर लगाए गए, इनको किसको अंदर जाना चाहिए? बहुत लोग चाल रहे हैं अंदर। जीत जाएंगे उम्मीद है। बिल्कुल 100 में 100। पवन सिंह जिंदाबाद। जीत रहे हैं, जिताना नहीं, जीत रहे हैं। जय पवन, जय पवन। पवन सिंह और राजा राम में दो विपक्ष में लड़ाई है, इस तरह से खेल लिए हैं। हटाइए इन लोगों को बाहर। पवन सिंह का एक झलक पाने के लिए जैसा कि अभी समय में पवन सिंह का नामांकन सभा है, उस स्थान पर मैं मौजूद हूँ। आज मैं लगातार यहाँ का अपडेट आगे देने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके पहले दिखाइएगा, देखिए तमाम लोग आ रहे हैं, सभा की तरफ बढ़ रहे हैं। हम इन्हें जानते हैं क्या सच में पवन सिंह का यहाँ पे माहौल बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, सच्चाई क्या है, उन्हीं से हम जानने कोशिश करेंगे, बात करने प्रयास करेंगे। देखिए सभा आ रहे हैं, आइए हम उन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा आगे आइएगा, रोक लेते हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। और एक बार थोड़ा दिखाइएगा, इधर भी दिखाइएगा जरा, देखिए ये पूरा मैदान भरा हुआ दिखाई दे रहा है, प्रेमनगर ग्राउंड है और इस तरह से देख रहे दिखाई दे रहा है। आइए और लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। तो ये शुरू करते हैं, सबसे पहले क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा ओम प्रकाश सिंह। कहाँ से हैं? हम रोपाहता से हैं, हथनी पंचायत नोखा ब्लॉक। लोकसभा आपका काराकाट है? काराकाट है। काराकाट में क्या माहौल है? आप अभी पवन सिंह है? पवन सिंह है। पवन सिंह है, किस मुद्दे पे कहा? पवन सिंह को कौन सी युवा नया चेहरा है, हम लोग नया दौर देखना चाह रहे हैं। जीत जाएंगे उम्मीद है? बिल्कुल 100 में 100, 100%। विपक्ष पार्टियां कह रही है सिर्फ नचनिया बजनिया के साथ टाल रहे हैं। जिस दिन 84 सभा किया उस दिन नचनिया बजनिया नहीं थे, उस दिन जब बीजेपी के लिए वोट प्रचार कर रहे थे उस समय बढ़िया थे। आज उनको टिकट नहीं मिला मन चाहा। आज काराकाट का क्षेत्र इतना बिछड़ा हुआ है, जितने भी लोग जीत के जाते हैं वहाँ जाके अपना दिल्ली में ऐश आराम करते हैं। यार जनता के हमारे गांव का रोड इतना भी खराब है, कोई देखने वाला नहीं है। जब चुनावी दौरा आता है तब तो वो लोग दिखते हैं, ऐसे बिल्कुल विलुप्त हो जाते हैं लोग। हाँ, कौन सी जीत जाएंगे तो क्या काम करेंगे यहाँ पर? बिल्कुल करेंगे, उनका पैसा का कमी नहीं है, ऑलरेडी उनके पास पैसा है। वो पैसा के पीछे नहीं भागते हैं, वो जनता का अपना व्यवस्था देंगे जो भी दिक्कत होगी। जी ठीक है, धन्यवाद। और लोग से हम बात करने प्रयास करते हैं। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? नाम क्या होगा? सेक्शन हुआ मेरा नाम। ये कहाँ भागा जा रहे हैं? जा रहे हैं अभी थोड़ा सा के हुए। कितना उम्र होगा आपका? 18 हो रहा। वोट देने जा रहे हैं? हाँ जरूर जाएंगे। जीता रहे हैं? कौन भैया को? कौन क्यों जीत रहे हैं? जिताना नहीं, जीत रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, देखिए यहाँ पे जीत चुके हैं। आइए और लोग से हम जानने प्रयास करते हैं। आप यहीं से काराकाट से हैं? जी 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 जी। लोकसभा आपका काराकाट है? काराकाट ही है, राजपुर है। माहौल बना हुआ आपकी नजर में? देखिए अभी यहाँ पर माहौल दो ही में, पवन सिंह और राजा राम, पवन सिंह और राजा राम में दो विपक्ष में लड़ाई है। हाँ। और यहाँ से पवन सिंह जीतेंगे। जीतेंगे जीतेंगे। कितने बार कार्य करेंगे? नहीं करेंगे एकदम, बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। आइए और लोग से, देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं आ रही हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या माहौल है। और वहाँ पे आ रही हैं तो इनसे हम बात करेंगे क्या आप में पवन सिंह जीत रहे हैं नहीं जीत रहे हैं। देखिए दिखाइएगा जरा, उधर दिखाइएगा, देखिए आ रहे हैं बहुत सारे महिला। और बीना मानवी जी भी यहाँ पर हैं। तो आइए नीचे हम बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि क्या माहौल है, क्या पवन सिंह जिता रहे हैं नहीं जिता रहे हैं, जिता रहे हैं तो किस मुद्दे जिता रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इस तरह से माहौल दिखाई दे रहा है। जी एक सेकंड चाहिए जी। मैं बीना मानवी। जय पवन, जय पवन, जय पवन, जय पवन। देखिए जो काफिला है बिना मालवी जी का आ चुका है और उनका कहना है कि पवन सिंह जीतेंगे, 100% जीतेंगे। देखिए बहुत सारी महिलाएं साथ में जा रही हैं, आपने देखा होगा इनका सोशल मीडिया पे कई वीडियो वायरल होता रहता है। एक झलक पाने के लिए लोग बिना मालवी का फोटो वीडियो लेने के लिए इस तरह से खेल लिए हैं। एक अलग अनोखा व्यू देखने को मिल रहा है, ये बिना मालवी दिखाई दे रही है। देखिए इनका कहना है पवन सिंह जिंदाबाद, पवन सिंह जीत रहे हैं। जी बहुत अच्छा लग रहा है, जीत गए, हाँ जीत गए, जीतेंगे।
देख सकते हैं किस तरह से माहौल है यहाँ पर। इना मालवीय जी साथ में अभियान करते हुए जा रही है। क्या बात है, ये देखिए किस तरह से माहौल दिखाई दे रहा है। दिखाना चाहेंगे और इस तरह से देख रहे हैं चारों तरफ माहौल जो यहाँ का है अलग लेवल देखने को मिल रहा है। दुलचा भाई ओए ओए हेलो, अरे खुलने दो यार, जा रहे हैं जाइए। मैम पवन सिंह जिंदाबाद, एक बार बोल दीजिए कुछ लोग। अरे जय पवन, जय पवन, तब नहीं हूं मैं। ये देखिए यहाँ पर रुके बता रहे हम, ये लोग सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पे, देखिए लगाए गए बाउंस लगाए गए, इनको किसको अंदर जाना चाहिए। फालतू लोग चल रहे अंदर, उनको अंदर नहीं जाने दे रहा है, ये सब फालतू लोग को अंदर जाने दे रहे। देखिए ये बाउंसर है, ये लोग फालतू लोग अंदर चल रहे हैं, हटाइए उनको सबको। फालतू लोग अंदर चल रहे हैं, सब चुतियाबा कर रहे हैं, फालतू लोग अंदर चल रहे हैं, ये बदतमीज कर रहे हैं। यहाँ पे कोई मीडिया ला रहे तो इसका अपमान कर रहे हैं ये लोग, सेंस नहीं है। फालतू लोग अंदर खड़े हैं, ये देखिए आप देखिए अंदर, हटाइए उन लोगों को बाहर। देखिए आपको बताना चाहेंगे, बहुत ही ज्यादा ये लोग परेशान कर दिए थे, मीडिया लोगों को भगा रहे हैं, आलतू फालतू लोग इनके पीछे टहल रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, ये कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। मीडिया काफी दूर से, आप लोग जानते हैं अगर चैनल पर मुझे देख रहे हैं, बिहार और कहां यूपी से चल के लोग आए हैं, दूर दूर से चल के आ रहे हैं, कहीं मीडिया सम्मान करेंगे करना चाहिए लोगों का। देखिए फिलहाल बहुत जबरदस्ती बातचीत करने के बाद फिलहाल अंदर अलाउ किए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं, देखिए पवन सिंह का जो यहाँ का नजारा है बताने का प्रयास करूंगा। पवन सिंह का एक झलक पाने के लिए अंदर आ चुके हैं। पूरा शहर जाग हुआ है, आपसे निवेदन है कि अपनी कौशल स्वयं जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार आप सभी का, इतने लाखों की संख्या में आप लोगों ने जो प्यार जुटाया है, इसके लिए मंजूर नाताली अपने लिए बधाई है। Yeah!
आप सभी ने देखा है वीना मानवी और यहाँ से जा रही है। हमने के सहबादी है सब मातृ पर लगा के सहबादी।